राधा स्किल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू राधा स्किल्स। आई एम राधा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिटरेरी टर्म्स। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अपनी वीडियोस में दो सब्जेक्ट को डील करती हूँ, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। तो इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है वो अलग है, तो दोनों जो सब्जेक्ट की वीडियोस है वो मिक्स नहीं होंगी, तो आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट लिटरेरी टर्म इज सिलेबल। व्हाट इज सिलेबल? क्या होता है सिलेबल? अ सिलेबल is the word or a part of word which contains a vowel sound or a consonant acting as vowel. Syllable जो है एक word होता है या फिर word का एक part होता है which contains a vowel sound, जिसमें उस word को pronounce करने से vowel sound सुनाई देता है, या फिर और अ कॉन्सोनेंट एक्टिंग एज अ वॉवल, या फिर उस वर्ड में जो कॉन्सोनेंट है वो वॉवल की तरह एक्ट करता है, वॉवल की तरह उसका साउंड आता है, उसे हम सिलेबल कहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हमारे इंग्लिश के जितने भी लेटर्स है A to Z में, उनमें से AEIOU इन पांचों को वॉवल्स कहते हैं हम लोग, और इसके अलावा बाकी जो बच जाता है A to Z में उसे हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो सिलेबल, अ सिलेबल इज अ वर्ड, सिलेबल एक वर्ड है या फिर एक पार्ट ऑफ वर्ड है विच कंटेन्स अ वॉवल साउंड, जो कि उसे प्रोनाउंस करने से उस वर्ड को वॉवल साउंड प्रोड्यूस्ड होता है, और अ कॉन्सोनेंट एक्टिंग एज अ वॉवल, या फिर उस वर्ड में जो कॉन्सोनेंट होता है उसका वॉवल टाइप का साउंड आता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं लॉन्ग। लॉन्ग में सिर्फ एक सिलेबल है। देखिए लॉन्ग, ओ, इस वॉवल का साउंड प्रोड्यूस्ड हो रहा है लॉन्ग। ओके, दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं शेम। शेम, इसमें ए साउंड, इस वॉवल का साउंड किस तरह से आ रहा है बाहर निकल के आप लोग देख सकते हैं। शेम, इसमें भी एक ही सिलेबल है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं, सिलेबल जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेस सिलेबल एंड सेकेंड वन इज अनस्ट्रेस सिलेबल। तो स्ट्रेस सिलेबल किसको बोलते हैं? द सिलेबल दैट इज अटर, ऐसे सिलेबल जिसको हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो लॉन्गर, लाउडर, हायर एंड विथ ग्रेट एफर्ट हम लोग उसको बहुत ही लॉन्ग, मतलब कि वो लॉन्ग ज़्यादा उस चीज़ को बोलते हैं, तो ज़्यादा देर तक वो लॉन्गर खींचा जाता है। लाउडर, बहुत ही लाउडर होता है। Higher and higher and with a greater effort means stress syllable उस syllable को कहते हैं जो कि जिस word को हम बोल रहे हैं उसमें stress syllable वो होता है जो कि जिसमें हमको ज़्यादा effort लगे। okay, it is also called strong syllable। तो हम एक example लेते हैं, apple। एप्पल में आप लोग देख रहे होंगे ए पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है, ए पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है एप्पल, तो ये आपको स्ट्रेस सिलेबल हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ईट। इस वर्ड में ईट, ई पर बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस लग रहा है, देयरफॉर इट इज स्ट्रेस सिलेबल। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अनस्ट्रेस सिलेबल। A syllable that is utter, shorter, quieter and lower, ऐसा syllable जिसमें short time लगता है, बहुत ही
क्वाइटर मतलब कि ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है एंड लोअर बहुत ही लो साउंड होता है। तो हमें एग्जांपल ले लेते हैं डिनर। इस वर्ड में आप लोग देख रहे होंगे वर्ड डिनर में आई पे बहुत ही कम स्ट्रेस पड़ रहा है, बहुत ही कम दबाव पड़ रहा है, इसीलिए आई यहाँ पे अनस्ट्रेस सिलेबल है डिनर में। और दूसरा एग्जांपल टेक, टेक यहाँ देखिए ए टेक, इसलिए बहुत ही कम जोर पड़ रहा है। ओके इट इज शॉर्टर क्वाइटर एंड लोअर। ओके देयरफॉर इट इज अनस्ट्रेस सिलेबल। तो अनस्ट्रेस सिलेबल क्या है? ऐसा सिलेबल जिसमें हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है उस लेटर को बोलने के लिए, हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनस्ट्रेस सिलेबल। एग्जाम्पल आपने देखा डिनर एंड टेक, जिसमें डिनर में आई में बहुत ही हमें कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है बोलने के लिए, और टेक में ए में हमें बहुत ही कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ओके अब समझिए कि मीटर क्या होता है। मीटर इन इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स यहाँ वर्ड्स का मतलब है इंग्लिश में जो भी पोएट्रीज होते हैं उनकी पैराग्राफ, पोएट्रीज पैराग्राफ इज कॉल्ड वर्ड्स। ओके इन इंग्लिश वर्ड्स वी हैव स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल अकरिंग अकॉर्डिंग टू अ पैटर्न, दिस इज कॉल्ड मीटर। मतलब कि बोल रहे हैं यहाँ पर कि इंग्लिश वर्ड्स में हमारे पास स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है वो जो है अकरिंग अकॉर्डिंग टू अ पैटर्न। जब इंग्लिश वर्ड्स में स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल एक पैटर्न से अकर होता है ओके तो हम उसको मीटर बोलते हैं, डैट इज कॉल्ड मीटर। ओके तो पैटर्न कैसा भी हो सकता है। इंग्लिश के मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ में बता रही हूँ मैं कि दो एक लाइन में या फिर दो स्ट्रेस होगा या फिर दो अनस्ट्रेस सिलेबल होगा या फिर एक स्ट्रेस एक अनस्ट्रेस फिर एक स्ट्रेस फिर एक अनस्ट्रेस। ओके या फिर दो अनस्ट्रेस फिर दो स्ट्रेस दो अनस्ट्रेस फिर दो स्ट्रेस सिलेबल, मतलब कि एक पैटर्न में अकर होगा कोई भी मतलब कि इंग्लिश वर्ड्स में, तो हम उसे मीटर बोलेंगे। ओके अब आ जाइए फूट। अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड वन और मोर वीक सिलेबल इज कॉल्ड फूट। फूट क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ लाइन जिसमें कि एक स्ट्रेस सिलेबल हो ओके एंड दूसरा अनस्ट्रेस सिलेबल हो, दूसरा कि एक अनस्ट्रेस सिलेबल हो, अनस्ट्रेस सिलेबल एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो उसे हम फूट बोलेंगे। अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड वन और मोर वीक सिलेबल इज कॉल्ड फूट। ऐसा ग्रुप जिसमें कि एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल हो मतलब एक स्ट्रेस सिलेबल हो और दूसरा अनस्ट्रेस मीन्स वीक या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है वीक सिलेबल, तो उसे हम फूट बोलेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ देखिए मैरी मैरी क्वाइट कॉन ट्रेरी। ओके इसमें मैरी मैरी इस वर्ड में ए पर स्ट्रेस पड़ रहा है ओके तो ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल है, स्ट्रॉन्ग सिलेबल को हम लोग स्ट्रेस सिलेबल भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए मैरी मैरी इस वर्ड पहला जो मैरी है उसमें ए पे स्ट्रेस है, तो हम इसे एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब होगा जहां भी मैं ये दूंगी इसका मतलब होगा कि ये यहाँ पर स्ट्रेस सिलेबल यूज हुआ है। मैरी मैरी जब हम लोग पहले जब मैरी बोले तो ए पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ा, लेकिन जब सेकेंड बार मैरी बोलेंगे तो ए पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मैरी मैरी दो बार रिपीट हुआ है, तो फर्स्ट बार में ही ए पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा। मैरी मैरी
यहाँ पर इस ए पे अनस्ट्रेस सिलेबल है जिसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगी. ओके, दिस इज द स्ट्रॉन्ग सिलेबल एंड दिस इज द वीक सिलेबल. स्ट्रॉन्ग सिलेबल इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस सिलेबल एंड वीक सिलेबल इज ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेस सिलेबल. ओके, क्वाइट कोन. क्वाइट यहाँ पर आई पे इस वॉवल पे ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो ये स्ट्रेस सिलेबल है. क्वाइट कोन एंड हेयर ओ पे कम स्ट्रेस पड़ रहा है, इसका मतलब ये वीक सिलेबल है. तो मैं इसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्रॉस से. ट्रेरी, ट्रेरी. ओके, यहाँ पर ए पर ट्रेरी, यहाँ पर ए पर कम स्ट्रेस पड़ रहा है. ओके, मैं इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगी. तो आप लोगों ने देखा कि कैसे पहले एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल, फिर एक वीक, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर वीक. ओके, और यहाँ पर सिर्फ वीक वीक है. ओके, इस लाइन में. ओके, तो फूट उसे कहते हैं जिसमें कि एक स्ट्रेस सिलेबल तो जरूर होना चाहिए, उसके बाद एक अनस्ट्रेस्ड हो सकता है, एक से ज्यादा भी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हो सकता है. तो देख रहे हैं आप, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस एंड देन अनस्ट्रेस. तो आप लोगों को फूट समझ में आ गया होगा अच्छे से. अब आते हैं इस पॉइंट पर. मीटर इन पोएट्री कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फीट इन अ लाइन एंड द पैटर्न कैन बी डिस्क्राइब ऑन नंबर ऑफ फीट इन लाइन. यहाँ मीटर जो है पोएट्री में वो कंसिस्ट होता है वन और मोर फीट इन अ लाइन. एक लाइन में पोएट्री में मीटर, मीटर इन पोएट्री, पोएट्री में जो मीटर है वो कंसिस्ट होता है एक से ज्यादा फीट का. एक सिर्फ एक लाइन में एक से ज्यादा फीट होते हैं. ओके, एंड द पैटर्न कैन बी डिस्क्राइब ऑन अ नंबर ऑफ फीट इन अ लाइन. और जो उसका पैटर्न है, जितना नंबर ऑफ फीट होगा उसे डिस्क्राइब किया जाता है. ओके, अगर एक फीट होगा लाइन में तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमीटर. अगर दो फीट होगा लाइन में तो डायमीटर, तीन होगा तो ट्राईमीटर, फोर होगा तो टेट्रामीटर, फाइव होगा तो पेंटामीटर, सिक्स होगा तो हेक्सामीटर, सेवन होगा तो हेप्टामीटर, एट होगा तो ऑक्टामीटर, नाइन होगा तो नोनामीटर एंड द टेन होगा फीट लाइन में तो डेकामीटर. मोस्टली फाइव फीट यूज किए जाते हैं कोई भी पोएम में, पेंटामीटर यूज किया जाता है मोस्टली. ओके, सो इस लाइन में थ्री फीट है, वन टू थ्री, इसीलिए हम लोग इस ट्राईमीटर बोलेंगे. ओके, ट्राईमीटर. वन टू एंड थ्री, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ट्राईमीटर. देन कम्स टाइप ऑफ मीटर्स. मीटर्स कितने तरह के होते हैं. आयम्ब, द फुट इन विच. फुट मीटर चार तरह के होते हैं, वन टू थ्री फोर. तो फुट भी चार तरह के होंगे. ऐसे फुट, ऐसे फुट इन विच देर इज अ वीक स्ट्रॉन्ग सिलेबल इज कॉल्ड आयम्बिक मीटर. ऐसे फुट जिसमें कि पहले वीक सिलेबल आते हैं फिर स्ट्रॉन्ग सिलेबल आते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग आयम्बिक मीटर. ओके, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, टू बी और नॉट टू बी. यहाँ मैंने जो क्रॉस साइन है वो वीक के लिए यूज किया है और स्ट्रेट लाइन का साइन स्ट्रॉन्ग के लिए यूज किया है. ओके, सो टू बी, टू बी यहाँ पे जो वॉवल ओ है यहाँ पर वीक सिलेबल है एंड बी में स्ट्रॉन्ग सिलेबल है, तो ये आयम्बिक
मीटर है, एक लाइन में है, इसीलिए हम लोग उसको आयम्बिक मीटर बोलते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये कि ये एक वीक फिर एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल इसमें अकर हो रहा है। तो जिस फूट में, जिस लाइन के फूट में पहले वीक सिलेबल आएगा फिर स्ट्रॉन्ग सिलेबल आएगा, उसको हम लोग आयम्बिक मीटर बोलेंगे। और नॉट स्ट्रॉन्ग, सॉरी वीक देन स्ट्रॉन्ग, वीक देन स्ट्रॉन्ग, ओके। और इसमें 3 फीट है, 1 2 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई आयम्बिक मीटर, ट्राई आयम्बिक मीटर। ट्रॉकी, द फूड विच कंटेन्स स्ट्रॉन्ग वीक सिलेबल इज कॉल्ड ट्रॉकी मीटर। ऐसा फूड, ऐसा लाइन में जो फूड्स होते हैं उसमें जो सिलेबल होंगे वो पहले स्ट्रॉन्ग आएंगे फिर वीक आएंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉकी मीटर, क्योंकि वो एक लाइन में होता है इसलिए उसको हम लोग मीटर यूज करते हैं, क्योंकि उसको हम लोग मेजर करते हैं, इसलिए ट्रॉकी मीटर। द फूड विच कंटेन्स स्ट्रॉन्ग वीक सिलेबल इज कॉल्ड ट्रॉकी मीटर, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे ट्रॉकी मी, ट्रॉकी, ओके। एग्जाम्पल है टाइगर, टाइगर बर्निंग ब्राइट, ओके। आप लोग यहाँ देख रहे हैं टाइगर, यहाँ पे आई पे ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है इसलिए स्ट्रॉन्ग सिलेबल है, एंड ई पे कम स्ट्रेस लग रहा है तो ये वीक सिलेबल है। तो पहले स्ट्रॉन्ग फिर वीक, इसमें भी पहले स्ट्रॉन्ग फिर वीक, बर्निंग में यू में पहले स्ट्रॉन्ग फिर आई में वीक, ओके। और यहाँ पर फिर स्ट्रॉन्ग फिर सो ऑन, ओके। इसी तरह चलती रहेगा स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग वीक। तो वैसे वैसे लाइन जिसके फुट में स्ट्रॉन्ग वीक सिलेबल चलेगा उसे हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉकी मीटर, ओके। देन कम एनापेस्ट, द फूड विच कंटेन्स, ऐसा फूड जो कि कंटेन करता है वीक वीक स्ट्रॉन्ग सिलेबल इज कॉल्ड एनापेस्ट मीटर, ठीक है। एक लाइन में फूट में अगर वीक वीक स्ट्रॉन्ग का पैटर्न बनेगा सिलेबल का तो हम लोग उसको बोलेंगे एनापेस्ट मीटर, ओके। द फूड विच कंटेन्स वीक वीक स्ट्रॉन्ग सिलेबल इज कॉल्ड एनापेस्ट मीटर। एग्जाम्पल है देयर वंस वॉज अ मैन फ्रॉम नेटक्रेट। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि वीक सिलेबल है वीक एंड वीक, देयर देयर ई में वीक, देयर वंस वीक वाज स्ट्रॉन्ग, वीक वीक स्ट्रॉन्ग, वीक वीक स्ट्रॉन्ग का पैटर्न फॉलो हो रहा है इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे एनापेस्ट मीटर, क्योंकि एक लाइन में है तो हम लोग उसको बोलेंगे एनापेस्ट मीटर। डक्टाइल, द फूड विच कंटेन स्ट्रॉन्ग वीक वीक सिलेबल इज कॉल्ड डक्टाइल मीटर। ऐसा फूड जो कि कंटेन करेगा पहले स्ट्रॉन्ग फिर वीक वीक, इस पैटर्न को फॉलो करेगा स्ट्रॉन्ग वीक वीक को, उस टाइप से सिलेबस अकर होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे डक्टाइल मीटर, ओके। एग्जाम्पल ले लेते हैं कैनन टू राइट ऑफ डैम, ओके। तो यहाँ पर ए में स्ट्रॉन्ग सिलेबल है कैनन, ओ में वीक, फिर यहाँ टू में वीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग वीक वीक स्ट्रॉन्ग वीक वीक का पैटर्न सिलेबल्स का मतलब कि अकर हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे डक्टाइल मीटर, ओके। इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं हम ये कितने फीट का है, 1 2 3 4 फीट का है, ओके। तो हम लोग इसको बोलेंगे टेट्रा ट्रॉकी मीटर हम लोग बोलेंगे इसको। इसमें कितना फीट है, 1 2 3 3 फीट है, तो इसमें हम लोग इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई एनापेस्ट मीटर। इसमें कितना फुट है, 2 फुट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई डक्टाइल मीटर, ओके।
सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो जो लिटरेरी टर्म्स मैंने आज बताए हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है इस टॉपिक को लेकर, तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ओके? और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी सारी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।